الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से पूरे मुल्क को महंगाई की लहरों ने अपनी लपेट में ले लिया और अब महंगाई बर्दाश्त की तमाम हदों को पार करते हुए आसमान को छूने लगी। वो चीजें जो कौड़ियों के दाम दिखती थी, अब वो चीजें भी रुपयों में मिलने लगी हैं। गर्ज समाज और मुआशरे के एक बड़े तबके के लिए जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया। न उन्हें दीन में सुकून है और न उन्हें रात में चैन की नींद आती है। ऐसे मौके पर एक सवाल उठता है कि आखिर महंगाई की इतनी कसरत क्यों, इसके असबाब क्या है और दूसरी बात महंगाई का इलाज क्या है, वो आज हम मुख्तसरन समझेंगे। पहली बात तो यह है कि महंगाई की कसरत क्यों है, इसके असबाब क्या है। तो महंगाई बढ़ने का सबसे पहला और बुनियादी सबब है दीन से बेजारी और बेरहमती। जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत के अहकाम पर अमल करते थे, दीन से अपना रिश्ता जोड़ कर रखा था, तो खैरों बरकतें थी। लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये फितनों का दौर है, बड़ा पुरखतर और पुरफितन माहौल है। हर तरफ गुनाह और मासी और नाफरमानियों की मोटी चादरों की परत पड़ी हुई है। बेहयाई का बाजार बिल्कुल गर्म हो चुका है। सूद और इस जैसी हराम चीजों के दलदल में हमारा मुस्लिम मुआशरा बिल्कुल उलझ चुका है। शराब और इस जैसी नशेली चीजों में हमारे नौजवान बच्चे बच्चे लड़के लड़कियां मुब्तला हैं। बेपरदगी आम है, कौन सा गुनाह है जो इस वक्त न हो रहा हो। कुरान करीम में अब तआला शानहु साफ फरमाते हैं, ज़हर अल-फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी नास। खुशकी और करीम में जो कुछ फसाद जाहिर होता है, वो लोगों के आमाल के नतीजे में होता है। जब हमारे आमाल बिगड़ने लगे, तो यही वो आमाल है जो हक तआला की नाराजगी को दावत देते हैं, और हक तआला की नाराजगी की एक शक्ल महंगाई है। तो महंगाई का पहला और बुनियादी सबब दीन से बेजारी, शरीयत से अपने आप को लाताल्लुक करना। महंगाई का दूसरा सबब है मेहनत की कमाई से जी चुराना। इस्लाम एक महज़ब और पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात का नाम है। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर शोबे में, हर हिस्से में हमारी रहबरी करता है। इस्लाम ने
हलाल कमाई के लिए मुलाजमत के बजाय तिजारत के पेशे को पसंद किया है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमें मुलाजमत ज़्यादा पसंद है तिजारत के मुकाबले में। गैरों की नौकरी चाकरी करना, उनके सामने अपने आप को जलील करना हलाल धंधा और पेशा इख्तियार करने के मुकाबले में अच्छा लगता है। जबकि मुस्नद अहमद की रिवायत है, सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन कमाई वो बंदे के हाथ की कमाई है। मारिफुल कुरान में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जलीलुल कदर पैगंबर सैयदिना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको हक तआला ने नबुव्वत भी अता की, सल्तनत व बादशाहत भी अता की। वो बादशाह थे, वो हाकिम थे, रात में रूप बदल कर जागीजा लेने निकलते, लोगों से पूछते दाऊद कैसा आदमी है, उसकी हुकूमत कैसी है। एक मरतबा रूप बदल कर निकले थे, हक तआला ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दिया, आपने उनको इंसान की ख्याल किया और पूछा दाऊद कैसा आदमी है। जवाब मिला है तो बड़ा अच्छा आदमी, लेकिन एक बुराई है। कहा क्या बात है? कहा वो हुकूमत के माल से पैसा लेते हैं, हालांकि हाकिम के लिए जरूरत के बकदर, ये कैद लगा रहा हूँ, जरूरत के बकदर पैसा लेने की गुंजाइश है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त दुआ की, परवरदिगार आप मुझे कोई हुनर सिखा दीजिए। रब कायनात ने उनके लिए लोहे को मोम बना दिया, वह अलन्ना लहुल हदीद, और फिर वो जिरा बनाते हैं, उसको बेचते हैं, और जो कीमत आती है, एक बादशाह है वक्त उससे अपना गुजर बसर कर रहा है। तो महंगाई का दूसरा सबब, मेहनत की कमाई से जी चुराना। आप लोगों ने वाकया सुना होगा, सही अहादीस में ये वाकया मिलता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में एक साहब ने आकर सवाल किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई तुम्हारे पास घर में क्या है? का एक प्याला है और टाट का एक टुकड़ा है, उसी को बिछाते हैं ओढ़ लेते, कर ले आओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये चीज लाई गई, आपने फरमा कौन किसको एक दिरहम में खरीदेगा? एक साहब खड़े हुए कहने लगे मैं तैयार हूँ। फिर आपने गोली लगाई, फरमा अच्छा कौन दो दिरहम देगा? तो एक साहब ने दो दिरहम बताए, नबी अलैहिस्सलाम ने वो दो दिरहम में बेच दिया। एक दिरहम से कहा के जाओ अनाज ले आओ घर में पहुंचाओ, और एक दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास लाओ। चुनांचे वो सवाल करने वाले साहब ने ऐसा ही किया, एक दिरहम का अनाज खरीदा, घर पहुंचाया, और एक दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद कर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से उसमें दस्ता लगाया और फरमाया कि जाओ जंगल काट कर लकड़ियां लाओ और बेचो, और 15 दिन तक मेरे पास मत आना। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही शुरू किया। 15 दिन के बाद आए तो पूछा कितना कमा लिया? कहने लगे मेरे पास तो 10 दिरहम बचे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये बताओ कि ये बेहतर है यानी मेहनत की कमाई, या वो हाथ फैलाना सवाल करना जो कल कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर दाग बनकर आए। महंगाई का तीसरा सबब है कि हमने बहुत से सामानों का ज़खीरा करना शुरू कर दिया है।
कि जब महंगाई होगी और चीज़ों की किल्लत और कमी महसूस होगी, उस वक्त इन चीज़ों को हम महंगी महंगे दाम में बेचेंगे। ये ज़खीरा अंदोज़ी शरीयत में बिल्कुल पसंदीदा नहीं। हुजूर आला नबीना अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने फरमाया, ज़खीरा अंदोज़ी गुनहगार और खताकार ही करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, हुजूर आला नबीना अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने फरमाया कि जो 40 दिन तक ज़खीरा करके रखे ताकि उसको आगे महंगे दाम में बेचे, वो अल्लाह से कटा और अल्लाह का रिश्ता उससे कट गया। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बाजार में सामान लाने वाले को रिस्क दिया जाता है और रोक कर रखने वाले के रिस्क से बरकत उठानी जाती है। तो ये ज़खीरा अंदोज़ी के जब ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ों की किल्लत होगी, उस वक्त हम महंगे दाम में बेचेंगे, ये भी बढ़ती हुई महंगाई का एक अहम सबब और ज़रिया है। महंगाई का चौथा सबब यह है कि जिन चीज़ों की इंसान को वाकई ज़रूरत होती है, वो चीज़ें बाजार में पहुंचती नहीं, या पहुंचती है तो कम मकदार में पहुंचती है। तो क्यों कम पहुंचती है या क्यों नहीं पहुंचती, इसका एक सबब ज़खीरा अंदोज़ी। इसी तरह एक सबब है कसरत से बारिश का होना के फसलें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, या कहत का होना के बिल्कुल पैदावार नहीं हुई, या वजह यह है कि हम सूदी कारोबार में मुब्तला हुए, नतीजा ये हुआ कि हफ्ताला ने रिस्क से बरकत उठा ली और ज़रूरी चीज़ें भी अब बाजार में नहीं पहुंचती, ये भी बढ़ती हुई महंगाई का एक सबब है बाजार में ज़रूरी चीज़ों का न पहुंचना। बढ़ती हुई महंगाई का पांचवा सबब फजूल खर्ची है। शरीयत इस्लामिया ने उम्दा से उम्दा खाने पीने लिबास की तालीम दी, लेकिन इसराफ से फजूल खर्ची से रोक दिया। एक तरफ इरशाद फरमा, कुलु वश्रबु वला तुसरिफु, खाओ पियो लेकिन इसराफ और फजूल खर्ची मत करो, बल्कि कुरान करीम ने फजूल खर्ची करने वालों को शयातीन का भाई करार दिया। हम ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बिला शुबा फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। फजूल खर्ची के लिए कुरान करीम में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक लफ्ज है इसराफ, दूसरा लफ्ज है तबज़ीर। दोनों में फर्क यह है, खर्च करने की जगह जरूरत से ज्यादा खर्च करना इसराफ है और न खर्च करने की जगह खर्च करना तबज़ीर है। दोनों ही चीज़ें नापसंदीदा हैं। आज मुआशरे के एक तबके का हाल ये हो चुका है कि बाजार जाते हैं या खरीदी करने जाते हैं तो जेब भर कर खूब रकमें लेकर जाते हैं और वापस लौटते हैं तो इस हाल में कि अकाउंट खाली हो जाता है, जेब खाली हो जाती है। यही चीज़ें जिनकी इंसान को ज़रूरत नहीं थी, इनके बगैर भी काम चल सकता था, बिला वजह हमने खरीदना शुरू किया, ये भी बढ़ती हुई महंगाई का एक अहम सबब है। बढ़ती हुई महंगाई का छठा सबब बाहमी तआवुन का न होना। आज हाल ये हो चुका है कि मालदार मालदार होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जब कोई बंदा हालात का शिकार होता है, उस पर परेशानी आती है, तो उसकी मदद करने, उसकी इमदाद करने, उसके लिए कुछ तोशा देने को कोई तैयार नहीं।
सहाबा किराम की कामयाबी और सरफराजी का राज यही था कि जब हालात आते तो एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाते। जब मदीना वालों को पानी की किल्लत और कमी का एहसास हुआ, सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला ने पूरा कुआं खरीद कर उनके लिए दे दिया। आज भी वो कुआं मौजूद है। इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के जमाने में जब कहत सारी हुई, अनाज और पैदावार कम हो गई, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो दामाद रसूल है, ज़ुन्नूरैन के लकब से जाने जाते हैं, मालदार होने की वजह से गनी उनका लकब पड़ चुका था, कई हजार तादाद में ऊंट भरकर सामान, ऊंटों पर लदा हुआ सामान आया था, वो सब के सब आपने खरीद कर फुकरा और मोहताजों के दरमियान तकसीम कर दिया। यही उनकी कामयाबी का राज था कि उनमें महंगाई नहीं थी। और आज हमारी नाकामी की बुनियादी वजह यह है कि जब हालात आते हैं तो एक दूसरे के ताऊ के लिए, नुसरत के लिए, मदद और इमदाद के लिए कोई तैयार नहीं होता। महंगाई का सातवां सबक, नाप तोल में कमी करना। याद रखे, नाप तोल में कमी वो जुर्म है जिसकी बिना पर हफ्ताला ने पूरी कौम शुएब को आग के गोले बरसा कर जला दिया, तबाह कर दिया। अल्लाह को ये अमल बिल्कुल नापसंद है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता में रिवायत नकल की है कि जब कौम में पांच बातें होगी, अल्लाह पांच तरह के अजाब से गिरफ्तार करेगा। मा ज़हरल गुलूल फी कौमी इल्ला अल्कल्लाहु फी कुलूबिहिमुर रुअब। जब कोई कौम खयानत के मर्ज में मुब्तला होगी, अल्लाह उस कौम के दिलों में दुश्मनों का रौब दाखिल कर देगा। वला नफस कौमुल मिकयाल वल मीज़ान इल्ला कुतिअ अन्हुमुर रिज़्क। और जो कौम नाप तोल में कमी करने लगेगी, अल्लाह वहां से रिस्क की बरकत को उठा लेंगे। वला फशज ज़िना फी कौमिन इल्ला कतुरा फीहिमुल मौत। जिस कौम में जिना की कसरत होगी, वहां मौत भी बकसरत होने लगेगी। वला हकम कौमुन बिगैरि हक़्क़िन इल्ला फशा फीहिद दम। जो कौम नाहक पर फैसला करेगी, वहां फसाद और खून रेजी आम होगी। वला सतर कौमुन बिल अहदि इल्ला सुल्लितु अलैहिमुल अदु। और जो कौम अहद शिकनी करने लगेगी, अल्लाह उन पर दुश्मनों को मुसल्लत फरमा देंगे। इन पांच बातों में एक बात ये भी है कि जो कौम नाप तोल में कमी करने लगती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां से रिस्क की बरकत को उठा लेते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हर चीज में हमने कटौती शुरू कर दी, ये भी बढ़ती हुई महंगाई का एक सबब है। महंगाई का आठवां सबब, मौसम की बेएतदाली। सर्दी के मौसम में गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है, और बारिश के मौसम में या तो मकदार से ज्यादा बारिश, या बिल्कुल भी बारिश नहीं, या सख्त गर्मी। ये मौसम की बेएतदाली और तब्दीली महंगाई का एक बुनियादी सबब है। ये क्यों होता है? ये हमारे आमाल में कमी आने की बिना पर होता है। महंगाई का नवा सबब, अपने अमवाल की सही ढंग से ज़कात न निकालना। हदीस पाक का मफहूम है कि जो कौम अपने अमवाल की ज़कात को रोक लेती है, अल्लाह ताला उसे कहत की वबा में मुब्तला फरमाते हैं। अगर वे जुबान दरिंदे चौमाए न हो, तो अल्लाह ताला एक कतरा बारिश भी नाजिल न फरमाए।
महंगाई का दसवां सबब है अल्लाह के जिक्र से एराज करना, रूठ जाना, जिक्रुल्लाह को मामूली न समझे, ये अजीम शान दौलत है। सूरह काहा में फरमाया मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, मैं उसकी मईशत और रोजी को तंग कर दूंगा। हम अपने नफ्स का जायजा लें और अपने ही नफ्स को खिताब करके पूछें कि जिस रब ने हम पर इतने एहसानात किए, हम उसका नाम कितनी बार लेते हैं। क्या अल्लाह के वो नेक बंदे थे जो अभी माजी करीब में गुजरे, जिनके रोजाना के मामूलात में सवा सवा लाख मरतबा अल्लाह के नाम का विर्द होता था और हमें सवा सौ मरतबा पढ़ना भी नसीब नहीं होता। काश अल्लाह ताला उन लोगों का कुछ हिस्सा हमें नसीब फरमा दे, तो हमने जिक्रुल्लाह से अपने आप को मोड़ दिया, एराज किया, ये भी हमारी महंगाई का एक सबब है। और ग्यारहवां सबब, हुकूमत की जानिब से जबरन टैक्स का डाला जाना। याद रखे, किसी भी कामयाब हुकूमत को, सल्तनत को, निज़ाम को चलाने के लिए अमवाल दौलत की रकम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि रास्ते और सड़क का इंतज़ाम हो, सरहदों का इंतज़ाम हो, बहुत सी चीज़ों को पूरा किया जा सके। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी कोई शक्ल और सूरत है तो वो मेरे और आपके आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम की हुई शक्ल, जिसको बैतुल माल कहा जाता है। यही वो कामयाब चीज थी जिसकी वजह से न किसी पर बोझ होता। लेकिन आज बैतुल माल के निज़ाम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उसके बजाय टैक्स की शक्ल ले आए। याद रखे, उलमा ने इसको जायज तो लिखा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स न लिया जाए इस शर्त के साथ, किसी पर टैक्स लेकर उसी की मसलिहत में उसे खर्च किया जाए, मसलिहत के अलावा में खर्च किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि लिया जाता है रईयत के माल से और खुद के लिबास पर या सवारी पर खर्च किया जाता है, ये नापसंद है। कौम शुएब की जो तबाही व बर्बादी हुई, तो उसमें एक बात मारिफुल कुरान ने भी लिखी, वला तक़ुदु बिकुल्लि सिरातिन तुहिदूना व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, इस आयत की तफसीर में, कि वो लोग रास्तों पर और सड़कों पर बैठकर लोगों से जबरन टैक्स वसूल करते थे। खैर, ये तो हो गए महंगाई के असबाब। अब महंगाई का इलाज क्या है? सबसे बुनियादी और अहम इलाज वो ये है कि हम अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इस्तिग़फ़ार की हैसियत साबुन की है जो बड़े से बड़े गुनाह को धुल देती है। और मैंने पिछली जुमा में इस्तिग़फ़ार पर आपके सामने तफ़सीली गुफ्तगू की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक दिन में सौ सौ मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करते हैं। तो महंगाई का बुनियादी इलाज यही। दूसरा इलाज, हुजूर आला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने तिजारत के उसूल और आदाब बदला दिए, शरीयत के बतलाए हुए उसूल के मुताबिक अगर कोई तिजारत करेगा तो इंशाअल्लाह उसे कभी घाटा न होगा, उसके अमवाल में भी बरकत होगी और महंगाई पर भी रोकथाम हो सकती है। तीसरा इलाज, जो चीज़ें महंगी हो गई उसका बदल तलाश कर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के ज़माने में किशमिश का दाम बहुत बढ़ गया। लोगों ने अमीरुल मुमिनीन से
शिकायत की कि इसका दाम बहुत बढ़ गया, तो आपने फरमाया इसकी जगह खजूर इस्तेमाल किया करो, तो जो चीज़ महंगी हो उसका बदल तलाश किया जाए, ये भी एक इलाज है। पांच चौथा इलाज ये है कि जो चीज़ महंगी होती जाए उसे खरीदना ही छोड़ दो, खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा गोश्त महंगा हो गया, तो आपने फरमा उसे सस्ता कर दो। फरमा कैसे सस्ता करें, का खरीदना छोड़ो। तो ये भी एक इलाज है। पांचवा इलाज ये है कि हम अपने अमवाल की पूरी पूरी ज़कात निकालें। छठा इलाज ये है कि अल्लाह की तकदीर पर उसके फैसले पर राजी रहे। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो हदीस नकल की है तिर्मिज़ी शरीफ में अबवाबुज़ ज़ुहद में, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ को पकड़कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांच नसीहतें की थी। उसमें एक नसीहत ये भी थी, वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अग़ना अन्नास, ए अबू हुरैरा अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी किस्मत में जो लिख दिया है तुम उस पर राजी रहो, सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। कितनी जामे नसीहत है। और महंगाई का एक इलाज ये है कि हम एक फहरिस्त बनाए, एक लिस्ट बनाए जब भी हमें सामान खरीदने की ज़रूरत हो, और हम उसका जायज़ा लें कि इनमें से कौन सी चीज़ की वाकई ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसके बगैर काम चल सकता है। आज एक वजह ये भी है कि बेज़रूरत चीज़ें हम खरीदते जा रहे हैं। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को देखा, हाथ में कोई चीज़ लेकर आ रहे, पूछा क्या है, का गोश्त है, अच्छा लगा तो खरीद लिया। ये जुमले थे उनके। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा अच्छा जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे तुम वो खरीद लोगे। हमारा मिजाज भी यही बना है। अमीरुल मुमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हु इसी पर तंबीह फरमा रहे कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे तुम उसे खरीद लोगे। क्या तुमने सूरह अहकाम की आयत नहीं पढ़ी, अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम अद्दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, कि तुमने अपनी नेकियों को दुनिया में तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया और उससे फ़ायदा उठा लिया। वस्तमतअतुम बिहा बल यौम तुजज़ौन अज़ाब अल-हून, आज तुम्हें ज़िल्लती का अज़ाब दिया जाएगा इस सबब से कि तुम तकब्बुर करते थे और नाफरमानी करते थे। तो बढ़ती हुई महंगाई पर अगर हम रोक लगाना चाहते हैं तो अपने सामान की अशिया की फहरिस्त बनाए और खूब जायज़ा लें कि किसकी वाकई ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं। जिनकी ज़रूरत नहीं उस पर हम चौकड़ी लगा दें कि इसके बगैर भी काम चल सकता है। तो याद रखें कि महंगाई बहुत से असबाब से आती है, बुनियादी सबब वो हमारे बिगड़ते हुए आमाल है। हमारे बुजुर्गों में हजरत जी सानी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कांगली रहमतुल्लाह अलैह की ये बात जहन में रखते हुए जाए कि आमाल और कीमतों के दाम ये तराजू के दो पलड़े की तरह, अगर आमाल का पलड़ा वजनी होगा झुका हुआ होगा तो कीमतों का पलड़ा ऊपर होगा, और जब आमाल का पलड़ा ऊपर रहा तो फिर कीमतों का पलड़ा नीचे जाएगा। हमें अब जायज़ा लेना है कि हमारे आमाल का पलड़ा ऊपर जा रहा है या नीचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के हाल पर रहम फरमाए, बेबरकती को दूर फरमाए, महंगाई की लपेट में जो मुआशरा आया है इस दलदल से मुआशरे को निकाल कर
रिस्क हलाल और बरकत वाली रोजी के दरवाजे खोल दे। आमीन व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।